किया गया है और इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले महापौर जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि गुच्छे से कमिश्नर महोदय और महापौर महोदय का स्वागत है। हमारे बीच हरीश केलिया जी हैं, मैं चाहती हूँ पंचायत जी के उनका स्वागत करें। बिलासपुर शहर के विभिन्न संगठनों से मीडिया से आए हुए समस्त प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कांसलेटर को कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी के संदर्भ में अपना एक संक्षिप्त में बात ऑफ ग्लोबल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ।
मैं मनीष पिल्लीवाल और मेरी टीम सुमित, सहदेव और प्रवीण आप सभी के सामने स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ आपसे सुझाव मांगना चाहते हैं और कुछ जो प्रस्ताव या अब तक की जो प्रगति है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में जब बात आई तो 98 शहरों का चयन हुआ, तो इस 98 शहर में हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर का चयन हुआ। अब इसमें जो हमारे अभी प्रयास चल रहे हैं इसमें स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाना है। इस प्रपोजल के बेसिस पे भारत सरकार देश के प्रथम 30 शहरों का चयन करेगी और हमारे सारे प्रयास सारी कोशिशें इसी में है कि हम प्रथम 20 शहरों में स्थान पा सकें। इसके लिए तो हम मूलभूत जो स्मार्ट सिटी की अवधारणा है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी तक ये होता है कि जो अधिकारी या राजनीतिक दल या कुछ एक विशेष वर्ग उनके द्वारा ही शहर के बारे में विचार किया जाता था और शहर के बारे में योजनाएं बनाई जाती थी। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन या सिटीजन पार्टिसिपेशन नागरिकों की सहभागिता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें हम लोगों ने पहले चरण में जैसे हम सभी आपके पास आए और आपको बताना चाहा कि स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किस तरह के काम हो सकते हैं, स्मार्ट सिटी के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और उसके बाद इसमें आपसे फीडबैक लिए गए, आपसे जानकारी ली गई, आपसे सोशल मीडिया के थ्रू सुझाव आमंत्रित किए गए और इसी कड़ी में आज हमें बैठक आयोजित की गई है। और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा बेसिकली इसके सिटीजन पार्टिसिपेशन है इसके तीन जिससे या तीन कदम है। पहला कदम यह था कि आपको स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी से अवगत कराना। दूसरा यह था कि स्मार्ट सिटी के आपकी जो फीडबैक है उस फीडबैक से एक विजन स्टेटमेंट बनाना, कुछ आइडिया जनरेट होना और उससे कुछ एरियाज के बारे में या जो गाइडलाइन के मापदंड के अनुसार कुछ क्षेत्रों का चयन करना। तो आज इसी कड़ी में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि बिलासपुर शहर में जो आप लोगों से फीडबैक मिला है, जो जानकारी मिली है, जो सुझाव मिले हैं उसके आधारित कुछ आइडेंटिफाई किए गए एरिया। क्योंकि स्मार्ट सिटी का मूल उद्देश्य है इसमें दो प्रकार के डेवलपमेंट है, दो मूलभूत विभाग में बांटा गया है स्मार्ट सिटी को। पहला होगा एबीडी जिसे कहते हैं एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तीन ऑप्शन दिए गए थे इसमें। एक तो है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब है कोई ऐसा एरिया चुनना है जहाँ ऑलरेडी एक चयन कर लिया है। नंबर दो जो था रीडेवलपमेंट, ऐसे स्थान का चयन करना जिसमें वर्तमान में उपस्थित आधारित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है जो पुराना हो चुका है, इस आयु सीमा खत्म हो चुकी है, उसे क्लियर करके उसे नए सिरे से पूरी प्लानिंग करना और वहां नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इसके लिए मिनिमम कम से कम 50 एकड़ की आवश्यकता। और ऑप्शन थ्री जो है हरित क्षेत्र डेवलपमेंट या ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। इसमें शहर का कोई ऐसा क्षेत्र जो अभी शहर की सीमा के अंतर्गत है लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से नया है और खाली पड़ा है, लेकिन ऐसे क्षेत्र को चुना। तो जब ये बातचीत हुई और सारी बातें निकल के आई, इसमें ये बात राय बनी कि जो रेट्रोफिटिंग है जो कि बिलासपुर एक नेचुरली डेवलप एक जैसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, तो इसमें एक कोहेसिवनेस एक समरसता रही है। एक पुराना एरिया है तो लोगों का सुझाव था, लोगों का सोचना था कि रेट्रोफिटिंग एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा और जो फिजिबल होगा, जिससे सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, अधिक से अधिक लोगों को वो चीज पसंद आए। तो ये तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुना है, इसमें हमने कुछ एरिया चयन किए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहिए। नंबर टू जो ऑप्शन था वो है पेन सिटी अप्रोच। पेन सिटी में बात हो रही है स्मार्ट सिटी प्रपोजल में बहुत सारे स्मार्ट सोल्यूशन आए। इसमें कुछ संभावित जो सोल्यूशन है 5-6 सोल्यूशन उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ई गवर्नेंस है, मतलब सारी चीज जिसे कह सकते हैं कि मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपको जानकारी सुलभ हो जाए, जैसे चॉइस सेंटर है, कियोस्क है और इस तरह की। दूसरा है वाटर सप्लाई, सारे लोगों तक वाटर सप्लाई सही रूप से पहुंचे, वाटर की बिल्डिंग हो, वाटर का सही यूटिलाइजेशन हो, लॉसेस कम हो, इस तरह की बात। तीसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम सभी कहीं ना कहीं इस रूप में शहर में गंदगी को देख के दुखी होते हैं, चाहते हैं कि इसके लिए कोई पर्याप्त और तकनीकी रूप से कोई व्यवस्था उपलब्ध हो। और चौथा है मोबिलिटी, एक ऐसी ये भी एक ऐसा विषय है अर्बन मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक, जिसमें सभी नागरिक परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बेहतर है, चौराहे और सड़क और उनकी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में विचार।
उसके बाद एक सैनिटेशन है, सैनिटेशन में सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की बात करते हैं। तो ये कुछ किस तरह के सॉल्यूशन में आप देखना चाहेंगे, रेट्रोफिटिंग मतलब कोई वर्तमान क्षेत्र है जिसे हम चुनेंगे और उस क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट, ये रीडेवलपमेंट है जिसमें कोई पुराना है जिसको कोई स्क्रब नहीं किया जा सकता या कोई ऐसा पुराना ही जो मतलब पुराना बाजार जिसे हम पूरी तरीके से हटा के एक नया वहीं के लोगों की बहुत अच्छी तरीके से सभी संरचना विचार समा सकते। नेक्स्ट, ये ग्रीन फील्ड है, ये तो ऐसा स्थान होगा जहाँ अभी वर्तमान में खुला मैदान है, खुला क्षेत्र है और इसमें हम कोई नई योजना बना सकते। आवश्यक अवसर प्रदान करना, इसमें सामाजिक आर्थिक
सभी तरह के विकास और मूलभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हर आदमी आखिरी आदमी तक पहुंचे, ये हमारे तीन मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए सब लोग हम लोगों ने डिसाइड किए और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी। नेक्स्ट, अब ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो आप लोगों से चर्चा के बाद एपीडी जो हमें करना है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, तो जैसे मैंने आपको तीन ऑप्शन बताया रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, तो हमने ये पाया सारे एनालिसिस सारे चर्चा के बाद कि जो रेट्रोफिटिंग है वो ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल होगा बिलासपुर की जनता के लिए, बिलासपुर के शहर के लिए। तो ये री रेट्रोफिटिंग के लिए हमने अभी वर्तमान में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं शहर के पांच अलग अलग क्षेत्र हैं, पांच ऑप्शंस, इस ऑप्शंस पे हम चर्चा करेंगे, इस ऑप्शंस पे आप लोगों से ओपिनियन लेंगे और उसके बाद इनमें से कोई क्षेत्र है जिसका चयन किया जाए। और ये नक्शे में आपको दिखाने की कोशिश है, एक ऑप्शन नंबर वन जो है ये आप देख सकते हैं ये आपका जो रिवर है उसके बैंक है, ऑप्शन नंबर टू थ्री फोर, तो आपको ये नक्शा दिखाने की कोशिश है इस शहर में किस क्षेत्र में किस दिशा में पांच ऑप्शन दे रहे हैं। ये पांच ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। मिनिमम उसमें 500 एकड़ एरिया लिया जा सकता है, तो हमारे एक एकड़ 1100 से लेकर 500, 700, 800, 1300 और 2100 इस तरह के हमने जो ऑप्शन लिए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर वन हमने अरबा ये बिलासाबाद को बिलासपुर बनाया, इसमें मुख्य मुख्य कोनी सरकंडा चाटीबी बिंगियाडी मोखा मंगला कोदूगढ़ बिलासपुर नदू जूना बिलासपुर ये क्षेत्र आई। ऑप्शन नंबर टू है इसमें गोल बाजार सनीश्री बाजार देरीबारा ओल्ड बस स्टैंड अग्रसेन चौक मंगलपारा मंदिर चौक नेहरू चौक तिलक नगर कोटपारा ये क्षेत्र आएंगे। ऑप्शन नंबर थ्री महाराणा प्रताप चौक गौरव पथ एसबीआई कॉलेज रायपुर रोड और जतिया तालाब ये क्षेत्र उसमें। ऑप्शन नंबर फोर बालापारा बस्ती वैशाली नगर का कुछ क्षेत्र मैकेटो मॉल के पीछे का क्षेत्र और सालापारा तालाब ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर पांच संजय कुरन ट्रस्ट पार 27 को लिया गया और उंगली तो कुल मिला के ये ऑप्शन पांच ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जो विस्तृत में आपको बताना चाह रहा है ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर वन है, इसके एक मैप दिखाने की कोशिश की थी इसमें कौन सा क्षेत्र है जो हम लेना चाहेंगे। नेक्स्ट, ये जो क्षेत्र है बिलासा पाल से बिलासपुर बहराज ये वो क्षेत्र है आपको दिख रहा है इस एरिया में रिवर पे 200 मीटर जो एरिया है वो एरिया सारा डेवलप किया जाएगा, इसमें जो उपस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत किया जाएगा जहाँ नहीं बांध दिया जाएगा। और इस पर्टिकुलर ऑप्शन में एक खास बात है कि इसमें रेट्रोफिटिंग के अलावा रीडेवलपमेंट और ग्रीन फील्ड का भी कुछ हिस्सा है, कुछ ऐसा क्षेत्र भी होगा जो नया है और ऐसे क्षेत्रों का भी चयन किया जाएगा जिसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेशन हो सके और कुछ आधारित वो विकास कार्य के लिए पैसे इसमें और खर्च किए जाए, तो मूल जो हमारे जितने मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे पे इसमें काम किया जाएगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक मतलब किस तरीके से स्किल मार्केट डेवलप कर सकते हैं और लोकल इंडस्ट्री के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, आर्ट और कल्चर के लिए किस तरीके से हम यहाँ प्लेटफॉर्म बना सकते हैं तैयारी कर सकते हैं इस बारे में इसमें विचार किया है। नेक्स्ट, ये ऑप्शन नंबर टू है। ऑप्शन नंबर टू जैसा आपने बताया एकदम मुख्य एरिया है जिसे हम सेंट्रल कोर एरिया कहते हैं गोल बाजार सनीश्री बाजार तेरी बारा और आपको मैंने बताया ये देखिए आपको एक मैप में एक आइडिया लग रहा है कि एक शहर का कौन सा एरिया है जो इसमें लिया गया है। नेक्स्ट, इस एरिया में लगभग 500 एकड़ जितनी आवश्यकता है उतना एरिया लिया गया है और इसमें मध्य क्षेत्र है तो मध्य क्षेत्र में ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ी समस्या है जिसमें पार्किंग का ध्यान रखा जाएगा पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली प्लानिंग की जाएगी इसके बाद साथ ही साथ नॉन मोटराइज ट्रैफिक को प्रमोशन किया जाएगा और जहाँ पे संभव वहाँ रोड का चौड़ीकरण मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसमें की जाएंगी। ये प्रोजेक्ट लेवल की बात है तो इसमें से कुछ आपको मैं बता रहा हूँ अगर कोई स्लम एरिया है तो उसको वहाँ से क्लियर करा के उस जमीन का कुछ और पीपीपी में उपयोग कर रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उनको आवास प्रदान किए जाएंगे इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम अभी जितनी चर्चा कर रहे हैं ये सब प्रस्तावित और प्रिलिमिनरी संभावनाएं हैं। ये ऑप्शन नंबर थ्री है ये मिनीमाता जयमाता एरिया आप देख सकते हैं मैप में दिखाने की कोशिश की ये महाराणा प्रताप से चौक के आसपास का एरिया है इसकी कमर्शियल वैल्यू भी अच्छी है यहाँ तालाब का संरक्षण भी किया जा सकता है तो सभी तरह की योजनाएं और सभी तरह के पक्ष जिसमें तालाब रोड मोबिलिटी ई कनेक्टिविटी सभी चीजों को हमने देने की कोशिश की है। ये एरिया जो है ये हम डेवलपमेंट के रूप में ले रहे हैं और इस एरिया में करीब 50 एकड़ जैसा मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन ये दिया गया है 50 एकड़
इसमें हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में इस एरिया को उपयोग कर सकते हैं। इसमें कमर्शियल जो डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है क्योंकि दोनों साइड मुख्य रोड है। इसके अलावा जो अर्बन ओपन स्पेस है उसमें भी प्लानिंग की जा सकती है। तालाब का संरक्षण मिनी माता मठा इसमें भी आप देख सकते हैं जो रीडेवलपमेंट के लिए उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट ये ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमें इसमें एक पार्किंग बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा एक ऑटोमेटेड और रियल टाइम ऑन ट्रैफिक मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और क्राइम सर्विलेंस, इसका भी प्रावधान इसमें रखा गया है। इस तरह की गतिविधियों को लेने से हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन की उसमें सुधार। नेक्स्ट ये ऑप्शन नंबर 5 जो आखिर ऑप्शन लास्ट है, ये मिनी माता पुदुकट एरिया है, ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन जो है ये भी डेवलपमेंट के लिए है। लगभग 50 एकड़ इसमें एरिया अभी जो वर्तमान में प्रारंभिक रूप से चयन किया गया है। इस एरिया में भी हम कमर्शियल गतिविधि, स्ट्रीट मार्केट, उसके बाद पीपीपी मोड पे रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट और जो सिटी एस्थेटिक्स, एक और हमारा समस्या की अगर सिटी में बहुत ऐसा ऐसा स्पेस है जो हमारी सिटी को सौंदर्य का लाभ नहीं करता या हमें नहीं लगता कि सिटी में खूबसूरती है, तो इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की इस प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से आपके पास 5 ऑप्शन प्रस्तुत किए हैं। अब आप लोगों से इस बारे में विचार विमर्श होगा और आपके ओपिनियन के बाद एरिया में इसको लेकर चयन किया। इसके बाद ये पैरिस सिटी ऑप्शन जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पैरिस सिटी का अर्थ है कोई एक ऐसा जितने ऑप्शन दिए गए उसमें से एक ऑप्शन जिसका सारे शहर में जिसको लागू किया जाएगा। अगर उदाहरण हम बोलेंगे वाटर सप्लाई, तो इसकी प्लानिंग और इसका जो प्रोजेक्ट बनेगा ये सारे शहर के लिए। एक आपने अभी देखा एरिया बेस, तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए उसको बॉर्डर एरिया बनाया है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। और दूसरा है पैन सिटी, तो एक काम ऐसा होगा जो पूरे सारे शहर के स्तर पर होगा। उसमें हमने कुछ ऑप्शन बने हैं जैसे 24/7 वाटर सप्लाई, सेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, और इस तरह के अनेक प्रावधान इसमें किए हैं। इसमें भी आप लोगों से चर्चा और विचार विमर्श और पोल के बाद इनमें से एक ऑप्शन जो हमें लगता है कि इसकी जरूरत सबसे पहले या सबसे अधिक है शहर, उस ऑप्शन का चयन किया जाएगा और उस ऑप्शन के लिए भी योजना बनाई गई है जिसे भी भारत सरकार। आप सभी से निवेदन है कि हमारी जो सामाजिक लीग है आप लोग अधिक से अधिक सहभागिता बढ़ाएं और हमारे फेसबुक, माई गवर्नमेंट और ट्विटर पे अकाउंट में आप लोग अपनी राय, अपने सुझाव और अपने आइडियाज दे सकते हैं। और मैं आप सभी को स्मार्ट सिटी इस शहर में आए इसके लिए शुभकामना देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच स्मार्ट सिटी प्रपोजल की इस कन्वर्सेशन को प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। Thank you.
बढ़ रहे सिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए या एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब के तौर पे देखना चाहेंगे या तौर पे देखना चाहेंगे। तो बिलासपुर की एक नहीं अनेक विशेषताएं, उसमें किस चीज को हम फोकस करना चाहेंगे, इसमें आज सफल ये पहली बार एक राष्ट्रीय योजना में बृहद तौर पे सीधे तौर पे आम जनताओं का जोड़ करके उनसे राय लिया जा रहा है। तो आप किस प्रकार का इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म में, मतलब इसमें केवल सरकार ने कोई अलग से योजना है उसमें कोई बढ़ रहा है उसमें कोई काम होगा ऐसा नहीं। हम अगर स्मार्ट सिटी के वो तैयार हो रहे हैं हम सब मिलकर होना है, तो उसमें जैसे हम शहर के विकास योजना बनाते हैं उसके माध्यम से हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस एरिया में किस प्रकार के विकास होना है ताकि ओवरऑल शहर का एक संतुलित विकास होने का हम प्लान करते हैं। स्मार्ट सिटी भी वैसा ही है, स्मार्ट सिटी में जो कंपोनेंट्स शासन सीधा फंडिंग के तौर पर लाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सेवाएं और जो पीपीपी मॉडल के तौर पे आएगा और उसके अतिरिक्त जितने भी शासन के अलावा प्राइवेट भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करेंगे निर्मित करेंगे खड़ा करेंगे चाहे वो बिजनेस रिलेशन हो चाहे वो अपना निजी बताएं वो भी एक स्टैंडर्ड के साथ बढ़ना है और सेकंड प्ले के तौर पे जो स्मार्टनेस के साथ उसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और
हमारे बीच में कलेक्टर साहब से लेके हमारे शहर के सभी मूर्धन्य व्यक्तियों का उपस्थिति यहाँ आना एक शुभ संकेत है कि और सभी प्रमुख संगठन के पदाधिकारी भी जो है यहाँ पे मौजूद है। और मैंने जैसे कहा ये संकेत और इंगित दोनों ही है कि स्मार्ट सिटी को वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सहभागिता देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए और एक एक्टिवली इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शहर के सभी प्रमुख जन, समाज के प्रमुख जन, संगठन के प्रमुख जन यहाँ उपस्थित है। मैं आप सभी का नाम नहीं लूंगा लेकिन जैसे केडिया जी से लेके रामोदर अग्रवाल, बेनी गुप्ता जी, ग्वालिन जी और सभी हमारे जैसे देवराज साहब भी है, तो अलग अलग समाज अलग अलग संगठन के सभी प्रमुख जन यहाँ उपस्थित है। मैं भी प्रशासन की ओर से आप लोग को इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप मेरी बात को इस तरह से रखना चाहूंगा कि जितने बातें मनीष पिल्लीवाल ने और उनके टीम ने यहाँ रखी कुछ टेक्निकल है और कुछ वास्तविक में, क्योंकि मनीष रायपुर के रहने वाले है और छत्तीसगढ़ वासी बने के नाते उनको जो है छत्तीसगढ़ वासियों के साथ साथ बिलासपुर का भी अपेक्षा है, उसे वो जानते हैं, रूबरू है और वो जरूर कोशिश उसी हिसाब से की गई है कि टेक्निकली और अपेक्षाओं के अनुरूप स्वॉट एनालिसिस करके कैसे उन बातों को रखा जाए। इसमें अभी भी बहुत कुछ और सुधार की गुंजाइश है और जैसे कि पूरा प्रोसेस हो गई है कि जिसमें आप लोग अपना सुझाव लिखित में भी दे सकते हैं, हमारे अलग अलग जो फेसबुक, ट्विटर या जो वेबसाइट है या जो ईमेल के माध्यम से आप दे सकते हैं, महापौर जी से भी दे सकते हैं, नगर निगम कमिश्नर, हम सभी को एक पूरा हर तरह से खुला हुआ एक वातावरण है जिसमें आपकी इन बातों को जो है ध्यान में रखते हुए आगे के काम किए जाएंगे। पर मुझे लगता है सिटीजन कंसल्टेंट जो ये है ये आज तक है, इसके बाद और रखेंगे आप? नहीं रखेंगे, सेकेंड राउंड फिर से होने वाला है तो उसमें शायद आप लोगों का कौन कितना एक्चुअली कुछ बिंदु रहेगा उसमें ऑलमोस्ट लाइक वोटिंग पैटर्न में भी वो आ जाएंगे आप लोग कि ओपिनियन आपका कितना है, बट वो 100% पारदर्शी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर कोई वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट हमारे लिए सैंपल साइज के हिसाब से हमें मदद करेगी कि आपका ओपिनियन जो ऑनलाइन ओपिनियन क्या है, साथ ही साथ जो अलग अलग हमारे जो इनडायरेक्ट वे में भी जो फीडबैक हम लेंगे उसका एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं मूल बात पे आता हूं कि जब हम स्मार्ट सिटी के बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं कि स्मार्ट कोई SMART उसका भी अलग से एब्रिविएशन निकाल लेते हैं कि एस का मतलब ये है, तरह तरह की जो है बातें हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा दूर तक ले जाना चाहूंगा कि भारतवर्ष में ये कोई नई चीज नहीं है और ये कोई विदेश से आया हुआ आयातित कॉन्सेप्ट भी नहीं है। स्मार्ट ये क्योंकि बाजवर्ड है आज के समय में, आप यदि हम बोले कि हेल्दी सिटी या व्यवस्थित सिटी तो सब अलग अलग तरह के समझेंगे, बट स्मार्ट इस समय का सबसे बजवर्ड, क्योंकि हर समय में एक वर्ड होता है जो कैच करता है, तुरंत लोगों का इमेजिनेशन कैच करता है, लोग अच्छा लगता है उसको बोलने में और लोग आइडेंटिफाई करने में चाहते हैं, तो स्मार्ट इज द वर्ड जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं और ये सरकार की भी ये है कि स्मार्ट के उसको, और ये इसका सबसे खूबसूरती ये है कि इसको आप अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई स्ट्रिक्ट परिभाषा नहीं है और इसीलिए हर सिटीजन हर व्यक्ति को लगता है कि इसको मैं अपने हिसाब से जो है इसका डेफिनेशन दे सकता हूं। कोई बोलेगा स्मार्ट सिटी में केवल हेल्थ में बहुत अच्छा काम हो वही स्मार्ट सिटी है मेरे लिए, कोई बोलेगा यातायात व्यवस्था सबसे बेहतरीन होगा वही स्मार्ट सिटी है, कोई कहेंगे कि सबसे ज्यादा हरियाली हो वही स्मार्ट सिटी है, तो सबका अपना अपना एक बिलीफ जो स्ट्रक्चर है उसी के आधार पर होता है। और बट मैंने जैसे कहा कि भारतवर्ष में हमारे पास बहुत उदाहरण है, आप जब एक समय में खनन हुआ हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात आई और ये हम लोगों को समझ में आया कि बड़ा सभ्यता जो है कहां से
कैसे शुरू हुआ। बीटीएस मूवमेंट बहुत अलग अलग सफलता की शुरुआत हुई और आपने वहां के नागरिक व्यवस्था देखे कि सामूहिक रूप से सानागढ़ से लेके तरह तरह के उस समय क्या यूज होता था, किस प्रकार के कैरियर यूज होता था, लोग कैसे कहां बात करते थे। और एक समय जब प्लेटो एरिस्टोटल के समय में हम चले जाते हैं जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, वहां पे कैसे बातें होता था, कैसे बात को रखी जाती थी, तो तरह तरह के चीजें हैं। और हमारे यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा हमारे पास बहुत अलग अलग उदाहरण है। लंका जो रावण की राजधानी स्वर्ण लंका जो जिसका हम बोलते हैं, और उसमें सब कुछ आप वर्णन पढ़िए बहुत अद्भुत है, वहां क्या नहीं था। और उनके पास अपना वायुजान भी जो है उनके पास था कि अपने हिसाब से वो इधर उधर जा सकते थे। तो एक उदाहरण हमारे पास लंका है। दूसरा है आपका अयोध्या, है ना। आप जानते हैं कि रामचंद्र जी के जो पूरा परिवार जो जहाँ के शासक थे, और अयोध्या के उदाहरण हो गया। दूसरा जो कृष्ण जी ने बाद में बनाए द्वारका, उसका भी उदाहरण आपके सामने है। हस्तिनापुर की जो है बड़ा उदाहरण है, महाभारत में पढ़ेंगे। और उसके अलावा आध्यात्मिक रूप से आप देखा जाए हमारे पास मथुरा और वृंदावन के भी उदाहरण है। अब हमें तय करना है कि इन सभी का क्या ये स्वर्ण घोषित लंका के रूप में हम स्मार्ट सिटी को बनाना चाहते हैं, मथुरा जैसा बनाना चाहते हैं, वृंदावन बनाना चाहते हैं, अयोध्या जैसा बनाना चाहते हैं। तो ये तरह तरह की मन में एक अवधारणा हो सकता है। लेकिन जब हम 21वीं शतक उसमें बात कर रहे हैं तो ये भी बात सही है कि आप भी जानते हैं कि बियॉन्ड ए पॉइंट तो सारे सीजन का जो है ये ऐसा कोई जादूगरी नहीं है कि स्मार्ट सिटी का जो है आपको लेवल लग जाने के बाद अपने आप सब जो है होने लगेंगे। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज का जो शहर है ये पार्टिसिपेटरी मोड में ही बनता है, सहभागिता के बिना वो स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता है। और ये सदियों से ये बात रही है कि सिटीजन ही जो है सिटी को बनाते हैं, और ये कोई अधिकारी या जो शासक वर्ग है जो जनप्रतिनिधि है केवल उनके बदौलत स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। ये सबसे पहले तो मेरा विचार यही है कि ये बनेगा तभी जब सभी सिटीजन को लगेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ मेरा है, मेरा वो है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। यदि रिक्शा वाले को भी लगता है कि रिक्शा चलाने के लिए मेरे पास कोई यहाँ पे स्पेस है, और यदि रिक्शा चलाने के लिए नहीं है उनके लिए कोई विकल्प खुला है, तब वो उसको ऑन करेंगे। छोटे व्यवसायी को भी लगने लगेगा कि यहाँ मुझे मार्केट उपलब्ध है, और यदि मार्केट बंद हो जाए विकल्प हमारे लिए है। तो हर व्यक्ति को जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में और उनका दैनंदिन जीवन में वो स्पेस यदि हम मुहैया करा सकते हैं तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी का अवधारणा को ये बड़ा 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 चैलेंज है कि सभी को हम इसमें कैसे रेट्रोफिटिंग रीडेवलपमेंट कैसे करें, उनका व्यवसाय का भी और उनके एम्प्लॉयमेंट का भी और उनका रहने का और तरह तरह की जो सारे बातें हैं। मुझे लगता है बिलासपुर का आइडेंटिटी क्या है, आप बेनी गुप्ता से तो हम पूछेंगे तो अलग बताएंगे, केडिया साहब से भी हम बात करेंगे तो सभी को मन में अभी हम सुनेंगे कि मुझे लगता है सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ बिलासपुर, बिलासपुर क्या है, क्या ये वही बिलासा कैवंतिल के नाम से बनने वाले वही बिलासा नगरी है जो 300 साल पुराना है, या वो आपका मध्य प्रदेश के कहां से वहां से आने वाले राजा ने जो तो, या वो हमारे जो मराठा शासक के दिन के समय है ना उद्भूत होने वाला, या वही तो बिलासपुर का आइडेंटिटी क्या है, क्या बिलासपुर का आइडेंटिटी शरद पूर्णिमा में कवि और कविताओं के लिए जाने जाए वही बिलासपुर है। तो तरह तरह की बात हो सकता है क्योंकि बिलासपुर ने अपने 400 ईयर्स इतिहास में अरपा नदी के तट पे बसते हुए उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ शासक को देखा है, बहुत मठ मंदिर से लेके बहुत सारे जो है धार्मिक और जो ऐतिहासिक घटना का साक्षी रहा है। तो मुझे लगता है प्रोफेसर टेन को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ बिलासपुर। वो स्वॉट एनालिसिस से नहीं होगा,
उसमें आएगा कुछ बातें, लेकिन उसके और बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि भावी पीढ़ी आज से 50 साल बाद, 100 इयर्स बाद कोई बोले कि जब एक गोल्डन समय था उस समय हमने पूरा आइडेंटिटी को नष्ट कर दिया। क्योंकि कोई भी सिटी का आइडेंटिटी से ही वो चलता है। आज आप इलाहाबाद का बात करें, वाराणसी का बात करें, मथुरा की बात करें, उसका आइडेंटिटी आप जानते हैं, एक लाइन में भी आइडेंटिटी बनता है, 10 लाइन में भी बनता है। तो बिलासपुर का वो आइडेंटिटी क्या है, उसको हमें सबसे पहले, मैं चाहूंगा ये पूरा खुला मन से सभी अपना अपने अनुभव और अपने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर वो बोलेंगे। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आइडेंटिटी के ऊपर जो है जरूर विचार किया जाए, सो डेट वही हमारे लिए एंड आउटकम होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे सारे सुविधाओं के बावजूद हमारे वो आइडेंटिटी बने रहे। आप कल्पना करें पूरा शहर स्मार्ट हो गया, न्यूयॉर्क जैसा हो गया, और वहां पर सड़क पूर्णिमा में कविता पाठ नहीं होता या कैरियर जी वहां पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो क्या मतलब है? तो मतलब होगा जागरूकता नहीं होता। तो कुछ ऐसे चीजें है, गणेश की पूजा नहीं होता, तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल है, कल्चरल है या जो ऐतिहासिक है, उन चीजों को यदि खप्पड़ निकल रहा है तो खप्पड़ यदि बंद हो जाए, इसका मतलब है हमने एक बड़ा लिंक मिस कर दिया। तो वो मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं फिट करना होगा। आज हम जानते हैं कि यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय भी चलता है, जो विदेशी छात्र तक यहाँ आते हैं। मैं जानता हूँ समय के साथ मोदी साहब उसका प्रसन्नता हम लोग खो देंगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हम उसको ऐसा कोई फिट कर सकते हैं जो जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन से बिल्डिंग बनाने का बात तो हर कोई करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मॉल बनाने के बाद भी सभी लोग करते हैं, पर जो हमारे से आज हमारे पास उपलब्ध है, क्या उसको हम दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन से पीपीपी में उसको आगे बढ़ा सकते हैं या दानदाताओं के माध्यम से कर सकते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत है हमारे पास, हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उनको मुझे लगता है आगे ले जाने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी जहां पे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक सबका हम ख्याल रखें, और मुझे लगता है अभी इस तरह का कभी हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया है, जिसमें कोई भी हम कार्यक्रम बनाते हैं, कोई भी वो करते हैं तो ऑल इंक्लूसिव नहीं होता। मनीष खुद आर्किटेक्ट है, यू नो इट, कि हम लोग सीनियर सिटीजन, डिजेबल महिलाएं और जो विशेष जरूरत या आवश्यकता जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे प्लानिंग हो, मैं चाहूंगा कि उसको जरूर हम लोग करें। रेट्रोफिटिंग में आपने 5 ऑप्शन दिए है, 5 ऑप्शन है, और शुरू में जब मेरे पास आया तो मैंने कहा था कि अरबा विकास योजना भी हमारा चल रहा है और उसमें माननीय मंत्री महोदय महापौर हम लोगों को ये लगा कि ये हमारे लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब मास्टर प्लान का पुनर्विलोकन हो रहा है और स्मार्ट सिटी का भी हम ढांचा तैयार कर रहे हैं और अरबा का भी हम काम करने जा रहे हैं, तो तीनों में लिंक होना बहुत जरूरी है, तीनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए, भले आइसोलेटेड एक्टिविटी हो लेकिन कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए। और जैसे होता है ना, तीन फोटोग्राफर जब अलग अलग फ्रेम में रखते हैं लेकिन जब तीनों को साथ में जोड़ते हैं एक जैसा दिखता है, एक ही शरीर का तीन अलग अलग हिस्सा है। और मैं मानता हूं कि ये पूरे जो हमारे प्लानिंग एरिया है और जो स्मार्ट सिटी है और अरबा, ये तीनों जो है एक ही शरीर का ही हिस्सा है, और हमें मैं आर्किटेक्ट और उनके पूरे टीम को अनुरोध करूंगा कि वो तीनों को एक ही हिस्सा मानते हुए उसका प्लानिंग को हम लोग करें और उस प्रोसेस में हम लोग भी आपको साथ में रहेंगे। और ये जो 500 ऑप्शंस दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं में से, मान लीजिए एक ऑप्शन में हम सपोज गो विथ वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन, बट डजंट मीन कि बाकी 4 ऑप्शन हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कालांतर में करना ही है, क्योंकि गोल बाजार का विकास करना ही है हमें, चांदी दीप का भी करना है, क्योंकि उसके बिना हम स्मार्ट सिटी बना ही नहीं सकते, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए हमें बहुत अच्छे से, जैसे अभी कलेक्टर साहब ने बोला लॉजिस्टिक हम बनाए, क्या बनाए, हमारे प्लानिंग एरिया में हमने काफी कुछ इस तरह का कुछ कुछ चीजें रखे है, लेकिन रेट्रोफिटिंग में भी, रीडेवलपमेंट में भी हमें देखना होगा
कि कहां हम नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, मेरा कहने का आशय है कि आईटी रिलेटेड हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, तरह तरह के बहुत सारे जो है घर से ही आजकल जो करते हैं, इस तरह का जो इंडस्ट्री को हम आइडेंटिफाई करें। लेटेस्ट जो अभी इस समय जो चल रहा है, हम लोग जो बोलते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री, दिस इज द बजवर्ड, तो नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री को भी हमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। और जैसे मैं अभी कॉलेज, आज ही मैं कॉलेज में गया था, तो हम जब अक्सर पूछते हैं आप लोग जो है टक्कर इंजीनियर से भी आगे हम निकल गए हैं। आज ही मुझे किसी ने बताया, हमने पूछा कि आप क्या बनेंगे, बोले कि पेंटर, मैं पेंटर बनूंगी। ठीक है, देखिए मतलब बदल रहे चीजें, कोई बैंक में जा रहे हैं, बैंक सेवा में जाना है, किसी ने बोला कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, यही बिलासपुर में मैं बात कर रहा हूँ, कोई बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ का बच्चे, यहाँ का यूथ, दे नो द ऑप्शंस नाउ। तो क्या हमें जो आज की यूथ के हिसाब से उनके मन में जो रोल मॉडल और जो उनका रोल कैरियर की जो अवधारणा है उसको हमें यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है बताओ, आप लोग में से बहुत लोग होंगे जिनका दामाद, जिनका बच्चे आईटी में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, और अक्सर हम यही बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आ नहीं सकते, सही है ना। हर कोई यही बोलता है कि वो बेंगलोर में रहता है, चेन्नई में रहता है, नोएडा में रहता है, या विदेश में अमेरिका में रहता है, और यही सबका रोना है छत्तीसगढ़ आगे क्या करें, क्योंकि वहां देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। तो सामने वे मिसिंग दैट लिंक, स्मार्ट सिटी में नेक्स्ट जेनरेशन इंडस्ट्री में हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है ये यहां से निकल जाएगा। तो ये स्मार्ट सिटी किसके लिए है, किसके लिए? दूसरा उदाहरण देता हूं, मैं अभी रिसेंटली कहीं मैंने पढ़ा, दैट वॉज बेस्ड इन केरला, मैंने कहीं वाली पर बताया कि उसने अपने पापा को लिखा, पापा अकेले रहता है कोची में, है। आप भूल जाइए एक शहर में रहता है इंडिया में, और लड़का जो है बहुत बड़ा आदमी बन गया अमेरिका में, और वहां बनने के बाद जो है वो घर आता है 7 डेज 8 डेज के लिए, और बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाल लेते हैं। तो उसने पापा को बड़ा दुख है कि मेरा बच्चा जो है ना यहां आना नहीं चाहते, इंडिया आना नहीं चाहते। ठीक है, देन ही सेड कि ऑल अलोंग पूरे जीवन भर आपने हमें केवल पढ़ाई 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 और पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं, इसी में लगे रहे। जब समर वेकेशन भी हुआ या विंटर वेकेशन हुआ, उस समय भी या तो कहीं है ना पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, उसी में लगा रहा। तो आई डोंट आइडेंटिफाई, उसका कहना है कि मैं कोची आके क्या करूंगा, बिकॉज आई डोंट आइडेंटिफाई, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं जीवन भर केवल पढ़ा। ये अलग बात है पढ़ाई के कारण जो अमेरिका में है, बट ही सेज कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन अमेरिका, क्योंकि सारे मेरा बंधु, मेरा रिलेशन सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, यहां मैं एक साथ कूद सकता हूँ, एक साथ खेल सकता हूँ, सब कुछ है। तो सिटी का आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। यदि आज हमारे बच्चे, आप हम सबका बच्चे, नाती नातनी, यदि यहाँ के दुर्गोत्सव में भाग नहीं लेते हैं, गणेश उत्सव में नहीं लेते हैं, विसर्जन देखने नहीं जाते हैं, आकस्मिक दशहरा में नहीं आते हैं, तो ये 10 साल बाद कभी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ये लिख लीजिएगा, कभी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। और यदि वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, दे वुड नेवर कम बैक टू बिलासपुर। तो स्मार्ट सिटी का क्या मतलब रहा? देखिए, हम यूरोप में बहुत सिटीज देखते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन हम देखते हैं, दे आर डेड सिटी, 6 बजे के बाद खत्म, कुछ भी नहीं होता, केवल कैसीनो चलता है बस, और कुछ नहीं चलता, दुकान 6 बजे बंद। दोजर वर्किंग क्लास सिटी, वर्किंग क्लास का अलग वो होता है, पर क्या हमको स्मार्ट सिटी में वो जो मैं आइडेंटिफाई वाला बात कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों का जब तक वो आइडेंटिफाई करने का सीजन नहीं रहेगा, ये तो नेवर कम है, आएगा भी तो बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि बहुत वो हो गए थे, ठीक है पापा के लिए क्योंकि लास्ट दिन से, लास्ट डेज है, लास्ट मंथ से, किसी ना किसी बहाने आएगा। तो मुझे लगता है कि हमें आइडेंटिफाई बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक वो हमें एक प्लेटफॉर्म देना है जिसमें वो आइडेंटिफाई हमारा साथ करे। सिविल सोसाइटी, जितना संगठन आज यहाँ पे है,
मुझे लगता है उसको और ताकत बढ़ाने की जरूरत है। और वो सिविल सोसाइटी के लिए हम क्या यहाँ पे स्कोप रखा है, संगठन के लिए, अवेयरनेस के लिए, उसमें अलग अलग प्रकार के, आज देखिए अच्छे एनजीओ का हमारे पास अवलब है, जो भी एनजीओ आता है बस थोड़ा बहुत जैसे मार्गदर्शन देने वाला है, पर अच्छा एनजीओ नहीं है आपका, और आपका स्थिति बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा एनजीओ जो चाइल्ड लेबर में काम कर सकते हैं, ऐसा एनजीओ जो महिलाओं के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा एनजीओ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम कर सकते हैं, ऐसा एनजीओ जो मानवाधिकार में काम कर सकते हैं, ऐसा एनजीओ जो इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, है क्या हमारे पास? उसके लिए स्कोप हमें, इसके लिए हमें कोई बड़ा बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बट स्मार्ट सिटी में स्कोप हमें वो कहीं ना कहीं से क्रिएट करना होगा। टूरिज्म, अभी पूरे शहर में इतने होटल हो गया है, इतने सारे होटल्स है, बट हम भी पता लगाते हैं कि कितना रूम ऐसे ऑक्युपाइड है, बहुत मुश्किल है। और आपको यदि देखिए ये सारे होटल इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर रखा है, तो हमें वो भी सोचना होगा कि हमारे इको टूरिज्म या जो टूरिज्म, भले वो रिलीजियस टूरिज्म हो, टेम्पल टूरिज्म हो, फलाना फलाना, उसको कैसे हम यहाँ पे अंगीकृत करें। और उसके बिना मुझे लगता नहीं, क्योंकि अचानक पर हमारे पास है, थोड़ा दूर है, इसलिए मैं कहा कि सिटी के बियॉन्ड हमको देखना होगा, लेकिन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ देना होगा, लोग यहाँ आके रुके और वहां जाए, रतनपुर महामाया जाना हो, लुथरा जाना हो, कहीं गए उनके लिए ताला जाना हो, मल्हार जाना हो, लेकिन यहाँ पे वो स्टेशन रहेगा। और ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ आना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें क्या वातावरण बनाया है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, और जब अरबा विकास योजना कंप्लीट हो जाएगा उसमें तो बहुत वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे, किनारे से बहुत सारे स्पोर्ट्स होंगे, तो तरह तरह के जो है चीजें आपको होंगे, लेकिन मुझे लगता है टूरिज्म विल बी ए रियल की टू सक्सेस ऑफ स्मार्ट सिटी। ये तो क्या है, जो सेल्फ सफिशिएंसी की जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, आपको कौन देगा, टैक्स कौन देंगे, क्योंकि जब बिजनेस यहाँ होगा तभी तो होंगे, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ मिलाते हुए आपको जो है ब्रीडिंग स्पेस, ग्रीनरी, पार्क, ये सारे चीजों का करना होगा। आप जैसे एक हमारे पास स्विमिंग पूल है, दो स्विमिंग पूल है, तो जनसंख्या के हिसाब से कितना स्विमिंग पूल होना चाहिए, किस कॉलोनी में क्या होना चाहिए, कितना मंदिर होना चाहिए, कितना रिलीजियस प्लेस होना चाहिए, इसका सबका आकलन हमें करना होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हेरिटेज को भी हमें ध्यान में रखना है, जो 50 इयर्स एंड अबव पुराना जो हमारे बिल्डिंग्स है, 100 इयर्स एंड अबव बिल्डिंग्स है, किसी का भी हो, आई थिंक कम्युनिटी शुड टेक अप, कम्युनिटी को ओन करना चाहिए ऐसा, क्योंकि किसी का ये अधिकार नहीं बनता कि मैं अपने हिसाब से उसको तोड़ दूं और कुछ भी बना दूं। मुझे लगता है कम्युनिटी को कहीं आगे आना होगा, उसको टेकअप करना पड़ेगा, और आपका वो भी एक बड़ा टूरिज्म का हिस्सा बन सकता है। और आप कल्पना करिए, जब नाव चलेगी, हम बोट चलेगी अरबा में, पानी जब होगा और किनारे किनारे वही दिखाएंगे, आज आप पेरिस जाते यही देखते हैं, ऑटो बस में बैठ के यही देखते हैं, ये आईफेल टावर है, यहाँ पे उतर गया, वहां ये गिरजाघर है, वहां ये है, यही देखते हैं। तो आप कल्पना करें, ये आपको कल्पना करना होगा कि ये संभव है, और इसी जीवन काल में संभव है। उसके लिए हमें सबको एक कम्युनिटी ओनरशिप के साथ मुझे लगता है करने की आवश्यकता है। एजुकेशन और हेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत अग्रणी है बिलासपुर, लेकिन इसमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं मनीष पिलीवर टीम के लिए यही सुझाव दूंगा, हम लोगों ने, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण, हम लोगों ने मुसलापुर के आगे गरीब लोगों के लिए कुछ जमीन नगर निगम को दिया और वहां पे कुछ हम लोगों ने घर बनाए। तो मैंने उन्हीं में से कुछ लोगों से सब बात किया, हमने कहा कि कैसे है, आप लोग सब खुश है ना, सब अच्छे है? बोले कि सर सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों का पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। तो स्मार्ट सिटी में आप कल्पना करें, यदि कोई ये गरीब ऐसे बोल ले कि हमारे पास, ऑफ कोर्स अब तो राइट टू एजुकेशन आ गया, नेबरहुड स्कूलिंग की बात आ गई है, कर भी रहे हैं, लेकिन हमें जब प्लानिंग करना है, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज एस्पेक्ट एज वेल, कि हम जहां पे रिट्रोफिटिंग कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो वो तो ठीक है, आपने बिल्डिंग डेवलप सब कुछ कर देंगे, लेकिन स्कूलिंग एंड हेल्थ ये आपको करने की आवश्यकता है। एक सीनियर सिटीजन को अपने हेल्थ के मेडिकल केयर लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, इसका सब तो कैलकुलेशन होता है आजकल, है ना, कितना मिनट में वो पहुंच जाते हैं, कौन सा रैपिड उससे होता है। बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा होते जा रहे हैं, और
मुझे लगता है उसमें और बात आने वाला समय अच्छा कम होगा, और जिस दिन आप हम सभी लोग उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करेगा मुझे लगता है उस दिन हम सफलता प्राप्त होंगे कि ये केवल मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास या गरीब के लिए नहीं है, ये हम लोग के लिए भी है, हम भी उसको यदि यूज करें। और उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना होगा, हमारा टाइमलीनेस, क्योंकि बसेस को अक्सर शिकायत होता है 10 बजे का बस 10:30 बजे जा रहे हैं या 20 सड़क में खड़ा हो गया, आप एक कल्पना करें बुजुर्ग कैसे वहां चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो डिजाइन करेंगे, आपका जो वास्तव है, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अमृत योजना जैसा नहीं देखना चाहिए, स्मार्ट योजना जैसा देखना चाहिए कि एक बुजुर्ग को भी या एक 5 फीट हाइट के व्यक्ति को भी चढ़ने के लिए कैसा होना चाहिए और 6 फीट हाइट के व्यक्ति को भी चढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है, ये हमें स्मार्ट डिजाइनिंग बस स्टॉप के लिए भी करना होगा, सिटी बसेस के लिए भी करना होगा, और विकलांग कैसे उसमें बैठ सकते हैं, तो सारे सीधे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब सभी को ऐसा चीज है जिसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाउसिंग का बात आपने किया, लेकिन हाउसिंग में भी बहुत करने का स्कोप है, हाउसिंग एंड हैबिटेट मुझे लगता है उसमें करना है। एंड में मैं इतने कहना चाहूंगा कि पूरे सिटी का आइडेंटिटी जो है मेरे हिसाब में कोर वैल्यूज में होना चाहिए, मतलब नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स, और बिलासपुर वासियों को जाना जाए कि नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स के लिए मेरा कहने का आशय यह है, यदि रेड लाइट है कोई नहीं देख रहा है तो हमारे यहाँ के स्मार्ट सिटीजन वहां इंतजार करें ग्रीन लाइट के लिए, और ये एक उदाहरण है, लेकिन ये जीवन में हर चीज में हम लोग उसको कर सकते हैं। उसके लिए व्यापक अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है, मुझे लगता है उसके लिए व्यापक जो है स्कूल से लेकर लगातार हमें जो है इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा, छोटे हमारे सिटीजन इतना बने जो रेड लाइट में खड़े हो जाए और ग्रीन लाइट में निकल जाए। अभी एक मैंने कुछ दिन पहले एक और छोटा सा वीडियो देखा, किसी विदेश का था, एक लड़का लड़की यूथ देखा कि पूरा खाली जैसा है, रेड लाइट जब था उसमें दौड़ के सड़क क्रॉस हो गया, और एक डॉग जो है ना, एक डॉग वो भी वहीं पे बैठे रहे, वो इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे, और जब वहां ग्रीन हुआ तब वो क्रॉस करके गया, ठीक है। मतलब वो दिखाने का ये था कि एक जानवर को भी है ना डिसिप्लिन और नियम के बारे में जो है जानकारी है, पर हमारे पास जानकारी होने के बाद भी हम जो है अपना इंद्रिय से बोले, प्रवृत्ति से बोले, जिससे भी हो वसीभूत होके उसको हमेशा नजरअंदाज कर देते। तो यहाँ का लोग और ये सिटी कोर वैल्यूज के लिए जाना जाए, और उसके लिए मुझे लगता है व्यापक कैंपेन हमें करना होगा, और स्मार्ट गवर्नेंस इज द की। और स्मार्ट गवर्नेंस आप जानते हैं, मतलब लेस गवर्नेंस इज स्मार्ट गवर्नेंस, मतलब जिसमें सबसे कम हस्तक्षेप शासन प्रशासन के होंगे वही स्मार्ट गवर्नेंस है। तो ऐसा मोबाइल ऐप बनेगा जिसमें हम लोग डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके यहीं से जो है ना, तो रानू साहब को खोजने का महापौर जी को हम लोग यहीं से सीधा वार्तालाप कर पाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट मोबाइल पे जैसा महापौर से निकलेंगे और बोलेंगे, एक फिल्म आया था 2050 है ना, आपने पता नहीं जो फिल्म देखते हैं उसमें जरूर देखिए, और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म था, उसमें टाइम मशीन में वो चले जाते हैं, ठीक है, और उसमें 2050 में यही है, हर चीज खाना भी अपना ऑटोमेटिक ऐसा करते हैं निकल आते हैं सारे चीजें। तो इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड अल्टीमेटली वो आएगा, बट स्मार्ट गवर्नेंस वही है, लेस गवर्नेंस, और सारी चीजें आपका फिंगर टिप्स पर रहेगा, मोबाइल ऐप रहेगा और उसी से आप सब कुछ हो जाएगा और अपने आप होने लगेगा। हर किसी को बार बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, रेड लाइट में रुक जाएंगे और ग्रीन लाइट में चलेंगे, और वो हर एक्टिविटी में अपनाएंगे तो अपने आप जो है सारे काम होने लगेगा। टैक्स के लिए मतलब जो होता है ना, आपको रिमाइंडर भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपना टैक्स खुद वो अपना मोबाइल ऐप से जैसे भी हो जमा कर देंगे, और नगर निगम को भी बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि लाइट बंद है, क्योंकि स्मार्ट एप्लीकेशन रहेगा, पता लग जाएगा कौन सा खंभे का कौन सा लाइट बंद है। ये हो गया इंडिया में, बहुत सालों में चल रहा है, लेट मी टेल यू, बट हमें वो करना है। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो हेरिटेज है, हमारे जो आइडेंटिटी है, उसको अक्षुण रखते हुए हमें एक स्मार्ट सिस्टम बनाना है, और जिसमें हमारे वर्तमान पीढ़ी और नेक्स्ट जेनरेशन को
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें करना है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को भी हमको यहाँ रखना है। वो भाग जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो आइडेंटिटी से उनको जोड़ना है। और मैं चाहूंगा कि एक ऐसा हो जो मानव के मूल्यबोध कोर वैल्यूज के साथ ये स्मार्ट सिटी बने। और आज जो इतना भाईचारा है, क्योंकि बिलासपुर में लगभग 5 साल अभी काम को 5.5 ईयर्स हो गया मेरा, मैं जानता हूँ बहुत क्लोजली सोसाइटी है, एक दूसरे को बहुत जानते हैं, हर जगह हम लोग मैन मुलाकात होते हैं। ऐसा सिटी हमें नहीं चाहिए जिसमें ये पूरा जो आपसी एक जो हमारे वो है वो कहीं खो जाए, है ना, इतना टेक्नोलॉजिकल हो जाए कि वो सारे खो जाए। तो मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही रहे, ऐसे ही कविता पाठ होते रहे, शरद पूर्णिमा में ऐसे ही कविता पाठ होते रहे, सब कुछ होते रहे। और उसको होने के बाद भी जो है स्मार्ट वे में हमारा लाइफ स्टाइल हो और हम उसको अंगीकृत करें। मैं पुनः जो है इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बृहद स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें माननीय मंत्री महोदय, महापौर जी, हम सभी लोग आप लोगों के साथ अलग एक स्वरूप में बैठेंगे। पर आज का इस कार्यक्रम में ये था कि आज कुछ सुझाव आप लोग का लेना है। और अभी मुझे लगता है महापौर ठीक, तो इसको हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कही कि स्मार्ट सिटी को हमें अपने वैल्यूज से जोड़ के रखना है। ऐसे स्मार्ट बनने का कोई मतलब नहीं है जहां हम अपने संस्कार से, अपने वैल्यू सिस्टम से हम दूर होते जाएं। तो निश्चित रूप से हमें अपने एक शहर की आइडेंटिटी ढूंढनी है, और हम सबको सोचना है कि अगले 20 साल में या अगले 50 साल में हम अपने शहर को कौन सा डायरेक्शन देना चाहते हैं, हम अपने शहर को कहाँ देखते हैं। और इसी पर ही यह परिचर्चा हमें करनी है। तो यहाँ विभिन्न संगठनों के सभी माननीय सदस्यगण आए हुए हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले जो सर ने कहा आइडेंटिटी, हम एक ही करके आइडेंटिटी पर हम बात करें कि बिलासपुर शहर की क्या आइडेंटिटी है और आगे आने वाले वर्षों में और क्या होनी चाहिए। तो पहले तो एरिया ट्राई कर ले सारे लोग जो बैठे कि कौन से एरिया, एरिया उसके बाद फिर आगे पहले तो एरिया ट्राई करें कि हमें पांच में से कौन सा एक ट्राई करना है, वो बाकी फिर तो दिखा दीजिए, पर सब लोग देख लिया, सबकी राय पहले कुछ में लीजिए कि किस चीज को कॉलेज।
पहचान जरूरत है, उनका प्रयास जरूरत नहीं होगी, आपको पहचान आप तरीके गार्डन एक खूबसूरत गार्डन पर्यावरण की रूप में हरियाली की और इस झंडे को लेकर के आगे बढ़िए। इस ढंग से चारों तरफ आज मंगलोर में मैं उतरा प्लेन से उतर के तो मेरे को लगा किसी विदेश में आ गया। सड़क के दोनों तरफ मीलों तक एक हरियाली हरियाली बाग बगीचे, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि लास्ट डेस्टिनेशन में गया तो वहां के हवाई पे से उतर विस्तार से बात करें और बड़ी अच्छी बात है।
और वास्तव में हरीश भैया ने जो बात कही कि बिलासपुर की पहचान गार्डन सिटी और पर्यावरण के लिए हरियाली के रूप में होनी चाहिए और यही हमारी बुद्धि भी है। आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ने वाली है, ये भी एक बिलासपुर के लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता है। मैंने इस छत्तीसगढ़ में ये शहर कम से कम इस दृष्टि से अच्छा है कि यहाँ पर पानी बोरिंग से भी निकलता है, वर्मा में भी आने वाली जो योजना बनने वाली है उससे बिलासपुर में पानी काफी रहेगा और पानी किसी भी सिटी के स्मार्ट बनाने के लिए बड़ी जरूरत है, उसकी पूर्ति बिलासपुर में बिजली हो। तो निश्चित तौर पर आपका विजन अच्छा है और नहीं तो बस यही उद्यान हरियाली यदि हम बढ़ा सके। और एक बात जो रामू बाबू ने कही उद्योग व्यवसाय के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की जो पहचान है और बिलासपुर की जो उपयोगिता है उड़ीसा से लेकर के इधर अंबिकापुर से लेकर के दूर तक के व्यापारी बिलासपुर आते हैं और यहाँ से काफी बड़ी संख्या में उड़ीसा से लेकर के दूसरे प्रांतों में माल की आवाजाही होती है, इसलिए यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी मार्केट की आवश्यकता है। और ये हमने 15-16 साल पहले भी नगर निगम और जब पीडीए था तो प्रपोजल दिया था, इवन 600-700 दुकानदारों की अर्नेस्ट मनी तक डिमांड के आधार पर अभी तक वो पैसे शायद कुछ सेंट्रल बैंक में जमा होंगे। सुपर स्पेशलिटी मार्केट का मतलब ये है कि बिलासपुर को आप कहीं भी शून्य करके फिर से डेवलप करना चाहेंगे तो बहुत कठिन काम है। और जैसा हरीश भैया ने कहा कि कानूनी से लेकर के बहुत किस्म की परेशानियां और अड़चन उसमें आएंगी, किंतु बिलासपुर को यदि हैवी ट्रांसपोर्ट से 24 घंटे के आवाजाही से माल लदान से यदि मुक्त किया जाए तो भी इसको हम सुधार सकते हैं। तो सुपर स्पेशलिटी मार्केट का मतलब होता है कि हम यदि अरपा के उस पार या रेलवे लाइन के उस पार, जैसा कि अभी कृषि उपज मंडी बनी है उस क्षेत्र में काफी है और वहां पर यदि हम लोहे का व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय है, होलसेल जितना भी व्यवसाय सिटी के अंदर होता है उस सबको हम शहर के बाहर शिफ्ट करें और एक स्पेशल बाजार बनाए जहाँ पर एक जगह आप जाए तो लोहा मिले, एक जगह जाए तो कपड़ा मिले, एक जगह जाए तो अनाज मिले, एक जगह जाए तो सारी चीजें इस तरह का एक मार्केट है कि बने। तो बिलासपुर में जो बाजार शहर के अंदर होलसेल मार्केट उसको शिफ्ट करके यदि हम शहर के बाहर करते हैं और एक बड़ा मार्केट बने तो उससे ट्रांसपोर्ट एरिया भी डेवलप होगा, अगर मैं बड़े ट्रकों का बड़ा आवागमन से भी निजात मिलेगी और उसके बाद हमको उसके आवागमन को व्यवस्थित करने में सुविधा भी होगी। किसी को शून्य करने के बजाय यदि इस तरह का शिफ्टिंग हो जाएगा तो उससे व्यापारियों को भी सुविधा रहेगी, यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, उड़ीसा से व्यापारी आकर के माल का आदान प्रदान भी बिलासपुर से होगा और इसकी आर्थिक उन्नति भी होगी। तो मैं स्पेशलिटी सुपर मार्केट बिलासपुर के रेलवे लाइन के उस तरफ से ऊपर मंडी जो खुली है उसी एरिया में और भी जगह है जहाँ पर हम 10 एकड़ जमीन लेकर के और इस तरह की अवधारणा पर व्यापारी बड़ा केंद्र बना सकते हैं। बिलासपुर के अंदर जो व्यवसाय हो रहा है उसको वहाँ दयालगंज में अभी लोहे के का व्यापार होता है, अब वहाँ छड़ खरीद लेते हैं, अब वो रिक्शे में रख के जाते हैं तो पूरा ट्रैक छड़ों के कारण वो लोहा आएगा जाएगा तो दिक्कत हो, किंतु वो जब शहर से बाहर चला जाएगा तो वो दिक्कत कम हो जाएगी। होलसेल कपड़ा मार्केट अभी एकदम शहर के बीच में शनिगिरी बाजार से लेकर के बहुत सारा होलसेल मार्केट है जिसको भी शिफ्ट किया जाना चाहिए। और मैं एक पॉइंट पर समझता हूँ कि इससे फिर जो जगह खाली होगी आवागमन की सुविधाएं अच्छी बढ़ेगी, हम इसको हरियाली की ओर आगे बढ़ सकेंगे। मैं अपनी बात इतना ही करती हूँ, आप सभी से अनुरोध है पहले तो ये 5 जो ऑप्शन है इसमें से आप किस ऑप्शन की ओर जाना चाहते हैं।
सर ढाई साल पुराना व्यापार केंद्र है वो यहाँ की पहचान क्यों नहीं बन सकता? बंधुओं मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शहर की सबसे बड़ी मस्जिद, शहर की सबसे बड़ी कोतवाली, शहर का सबसे पुराना स्कूल, सबसे बड़ा स्कूल, शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, इन सबसे घिरा हुआ गोल बाजार। मैं गोल बाजार की बात का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप 1937 में स्वर्गीय डॉक्टर स्वर्गीय कुंज बिहारी लाल जी अग्निहोत्री ने पेरिस के बाजार की परिकल्पना को यहाँ साकार किया और 3.5 गोलाइयों के बीच में बाजार बता हुआ है। करीब 400-500 दुकानों का एक संकुल है और ये पूरी दुकानें, लगभग पूरी दुकानें म्युनिसिपल की प्रॉपर्टी है, म्युनिसिपल की आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस बाजार को, इस इतने व्यवस्थित बाजार को, मैं ज्यादा तो नहीं आज भी दावा करता हूँ कि बिलासपुर में कोई दूसरा गोल बाजार नहीं बन सकता जो 3.5 गोलाइयों के बीच में बता हो, शहर के हृदय स्थल पे हो, शहर की सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में हो। मेरा कहना यह है कि पहले हम इस बाजार की जो खासियत है उसको गौर करें और ये जो बाजार नष्ट होने जा रहा है उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश करें। ये शहर की पहचान बन जाए, शहर की पहचान खोते जा रही है। एक उदाहरण और दे रहा हूँ आपको, म्युनिसिपल का लोगो है बावली कुआं, बावली कुआं कचरे से भर गया है और एक सूखा गड्ढा बना हुआ है। बावली कुआं नगर निगम के लोगों की पहचान है और वो आज किस हालत में आप देख लीजिए, बेदा कब्जे से ढका हुआ है। शहर में पुराने राजवंश का प्रतीक जूना बिलासपुर का पुराना किला आज केवल यादों में शेष है, लोग उसकी खंडहर बचे हुए हैं, हम उसको क्यों नहीं जिंदा करने का प्रयास करते। बिलासपुर की पहचान की आदरणीय कमिश्नर साहब आपने बिलासपुर की पहचान की बात की तो बिलासपुर की पहचान अनेक जगहों में बिखरी पड़ी है, इसको हमको जिंदा करने की, संजोने की और फिर से स्थापित करने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी की बात आप कर रहे हैं, आज से 80 साल पहले स्मार्ट सिटी की कल्पना इस गोल बाजार में साकार हो चुकी है। 80 साल पहले 3.5 गोलाइयों पे भी 500 दुकानों का संकुल बना हुआ था और आज भी आपको रिकॉर्ड मिलेगा, हलवाई लाइन, दर्जी लाइन, साइकिल लाइन, पटवा पट्टी, अलग अलग व्यवसाय की अलग अलग पट्टियां जिंदा थी, ये सारी नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं। मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने शहर की पहचान जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारे शहर की पहचान बहुत सी जगहों पे है, उनको हमको जिंदा रखने का प्रयास करना चाहिए। बस हम नया नहीं बनाए, जैसे कि किसी शायर ने कहा है, नए चिराग न जल पाए कोई हर्ज नहीं, नए चिराग न जल पाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो चिराग रोशन है वो न बुझ जाएगी। मैं प्रकाश बोला नहीं, बंधु मेरी बात बोली 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 मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा दो चीजें और बोलना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी की बाबत अभी चर्चा हुई तो स्मार्ट सिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। स्मार्ट सिटी स्मार्ट नागरिकों से बनती है और स्मार्ट सिटी एक भावना है। स्मार्ट सिटी ईंट पत्थर का जंगल नहीं है। स्मार्ट सिटी की भावना के विषय में आपको पहले सबसे पहले दो उदाहरण देना चाहूंगा। इस बिलासपुर शहर में कचरे के ढेर पे एक सफाई कर्मचारियों की बस्ती है जो बिलासपुर की सबसे साफ सुथरी कॉलोनी है और आपको देखना है गोणपारा मुन्नूलाल स्कूल के बाजू से चल दीजिए, स्वीपर कॉलोनी है, वहां पे सड़क नहीं है, फर्तीकरण है और कच्चे और पक्के मकानों का समूह है, लेकिन आपको एक तिनका, एक माचिस का टुकड़ा, एक बीड़ी का टुकड़ा उस सड़क में नहीं मिलेगा। वहां के लोग इतने जागरूक हैं कि अगर कोई बीड़ी पी के फेंक देता है दूसरा उसको डांटता है या उस टुकड़े को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। उस कॉलोनी में गुरुद्वारा है, मंदिर है, गणेश पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है और साफ सफाई की ये हालत है कि आप फर्श में बैठ के बिछा के रुमाल खाना खा लीजिए, जाइए आज भी देख लीजिए। ये स्मार्ट सिटी की भावना है एक, और दूसरा स्मार्ट सिटी की भावना का एक उदाहरण और देना चाहूंगा। मैं कुछ दिनों पहले जामनगर गया था,
शाम को घूमते घूमते कुछ मित्रों ने बोला कि चलिए आपको घुमा लाते हैं, एक पिकनिक स्पॉट दिखा के लाते हैं। बंधुओं सबसे आश्चर्य की बात है, मैंने पूछा पिकनिक स्पॉट कहाँ ले जा रहे हैं, बोले यहाँ इस शमशान घाट ले चल। और इस शमशान घाट को पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप किया गया है, वहां महापुरुषों के कट आउट लगे और उन कट आउट के नीचे उनके अनमोल वचन लिखे हुए हैं। और इतना शानदार वातावरण, इतनी शानदार गार्डन और उसके किनारे में इस शमशान ग्रह है, ये दो चीजें बताती है स्मार्ट भावना की बातें। अगर हम यही बिलासपुर में अगर हम डेवलप करें तो एक नया कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि शहर का सबसे अच्छा स्कूल कौन, एक स्कूल को डेवलप करें। इस शहर का सबसे अच्छा बाजार कौन सा, एक बाजार को डेवलप करें। इस शहर का सबसे अच्छा योग या गार्डन कौन है, उसको डेवलप करें। और धीरे धीरे इसको डेवलप करने से स्मार्ट सिटी की भावना डेवलप हो। बंधुओं मैं इतना कह के धन्यवाद। बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग हैं और समय का भी कम है, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा टाइम पूरा शॉर्ट रहे। एक में कि मुझे ना एक और मीटिंग में जाना है, कलेक्टर साहब अभी निकल गया, मुठा सचिव महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे हैं अभी। मैं थोड़ा सोच रहा था वही कि मैं मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा, बाकी तो मैं लिख लूंगा। कम टाइम में आपके क्षेत्र है उसको लेते हुए अपना आगे जाए, वही सब मेरा सुझाव है। और आपने अफोर्डेबल हाउसेस के बारे में, मैं गोविंदा साहब आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अफोर्डेबल हाउस के बारे में आप लोग जो ईडब्ल्यूएस कॉलोनी हम लोग जो बनाते हैं उसमें एक मामले काम है जो सब होने के बाद भी नहीं हो पाता कि जो कॉलोनियां बन जाती हैं लेकिन उसके रखरखाव का आज भी आपके यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है। ईडब्ल्यूएस आप बनवा तो लेते हैं, लोगों को आप अलर्ट तो कर देते हैं, लेकिन आगे भविष्य में मेंटेन रहे उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। वो ठीक है, आप लोग का भी बैठे थे के साथ अलग अलग विषय आए थे, जैसे मैंने कहा ना उस कम्युनिटी को ओनर करना है और वो तभी कोई स्थायी हो पाएगा, इसको देखेंगे। मैं अभी हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं उनके तरफ से भी सुनना चाहेंगे, मालिक जी आप भी हैं कौन कहना चाहेंगे, बस सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से सर मैं बोलना चाहता हूँ जी। और हमारा जो शहर स्टार्ट होता है मूलतः जूनागढ़ जो पछली घाट चौक है बिलासा पेटी में वहां बसाया था, वहां से लेकर गोलबाजार गोलपारा और तिरंगा चाटापारा और कुछ सकंडा कुछ हिस्से जो है ये इससे बिलासपुर शहर की पहचान शुरू होती है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो अर्पण विकास परियोजना है या बिलासपुर के बाहर जितने भी डेवलपमेंट स्कीम अपन बना रहे हैं अपन, उस सभी के केंद्र बिंदु से सब हट के कर रहे हैं। अपने पास चारों साइड अपने केंद्र को सेंटर मान लिया, मेन जो नेशनल हाईवे जाती है जो दयालगढ़ रोड पर जाती है, इस सेंटर को अगर सेंटर मान लिया तो चारों साइड ओपन लैंड है, बड़ी स्कीम और बड़े फ्लैट बाद में किए जा सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि सारे बाहर के फ्लैट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मूल शहर है वैसे ही वैसे है। हम स्मार्ट सिटी क्यों बनाना चाहते हैं, हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुगम यातायात रहे, ट्रैफिक रहे, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है उनका विस्तार कैसे होगा, तो उनके विस्तार के लिए हम रोड वाइडिंग के बिना कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने बिल्डिंग जो सेंटर एरिया है कोर एरिया में जितने भी अपने जो पांच एकड़ का है रेट्रोफिटिंग वाला नंबर टू ऑप्शन है, हमको थोड़ा खराब लगेगा लेकिन रोड वाइडिंग सेंटर में शहर के फोर सेंटर में रोड वाइडिंग करके जब तक हम एफआर बढ़ाते उसको अंडरग्राउंड पार्किंग रखे स्ट्रीट पार्किंग रखे। और आजकल सर लिफ्ट की सुविधाएं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी कोई समस्या नहीं है, सोलर एनर्जी कोई समस्या नहीं है, तो रैंप बनाने में और स्टेप्स बनाने में बहुत स्पेस वेस्ट होता है। तो वर्टिकल लिफ्ट की व्यवस्था रखकर स्ट्रीट पार्किंग रखे जितने मेन रोड किनारे के जो शॉप्स वगैरह है कॉम्प्लेक्स है कंपल्सरी करके यदि हम उसको एफआर बढ़ाते हैं ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, तो ये अवधारणा आजकल पुरानी हो चुकी है कि ग्राउंड लेवल पे शॉप्स रहे। बिल्कुल, एफआर बढ़ाकर हम सारे पे रोड्स को सर जो 5-50 एकड़ एरिया है रोड वाइडिंग करना कंपल्सरी हो, ऐसा करेंगे तो हम ऐसे करेंगे उसमें आप जिसका साथ नहीं कर रहे हैं जी ना। मैंने शुरू में कहा कि सारे ऑप्शन को करना ही अल्टीमेटली, बट सबसे पहले प्रायोरिटी में हम वन में जा रहे हैं अभी, देन आप जो है 2-3-4 ये तो करना ही है, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा।
और बाकी कैसे करना है वो तो हमारे कॉलोनाइजर एक्ट और बिल्डिंग का जो है ना एक्ट वगैरह वो तो प्रॉब्लम सर। जब तो पॉलिसी मैटर भी बनाए तो कैसे होगा, पहले तो पॉलिसी मैटर कराना पड़ेगा कुछ करने से पहले। और या तो फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो रोड की विड्थ के अलावा ट्रैफिक सिस्टम में बिल्कुल कड़ाई से पाबंदी लगाया जाए कि रोड की विड्थ अपने पास है नहीं तो उसको जो व्हीकल्स आती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मीटर की बारिश का एंट्री करें गवर्नमेंट ने ये बात सोच रखा। कहा कि ये स्मार्ट सिटी उनके लिए है जो आने वाली पीढ़ी
उनके लिए रहेगा। सच बात है हमारी स्मार्ट सिटी बनते बनते अभी 15-20 साल हो जाएगा और हमारे यहाँ से जितने लोग यहाँ बैठे हो सकते हैं इसमें हम लोग बहुत कुछ लोग चले जाएंगे। तो मोदी मैं कह रहा था हाँ नहीं मैं वो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ तो हमको इस बात का आगे वाली पीढ़ी का आगे वाली पीढ़ी क्या चाहे। जैसे अभी आपने कहा कि जो आपके चले जाए वहाँ चले जाए उनको दिखती है बढ़िया ठंडी उनको दिखता है हाईटेक हो और उनको देखता है कि चारों तरफ से बिल्कुल न्यू फंक्शन हो बिल्कुल ये सारी चीजें हो तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है ये वाले चीजों को बिल्कुल क्लियर करें। हमारे शहर में सबसे ज्यादा दूसरे जो हमारे शहर के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जिस स्कूल ने दिए हैं वो स्कूल है आपकी गवर्नमेंट हाई स्कूल। आज उसकी स्थिति सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स के रूप में रह गई है वहां की पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा है। तो उस स्कूल का उन्नयन बहुत जरूरी है और हमारे भाई ने जो कहा मार्केट के रूप में जो सबसे बड़ी पहचान है गोल बाजार की उतना व्यवस्थित मार्केट पूरे शहर में दूसरा नहीं है। वहां की जो यातायात व्यवस्था है और जो वहां की कमियां हैं उसको दूर करते हुए IMS और प्रोजेक्ट के रूप में जैसा सबने कहा उससे अलग हटके हमारी मानना है कि गोल बाजार का जो रेट्रो वाला जो कार्यक्रम है वो प्राथमिकता का आधार है। IMS की तरफ से मैं डॉक्टर बुधिया आपको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि आपने आमंत्रित किया। IMS चूंकि मेडिकल फील्ड से ही जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले हमारी मांग और हमारी जो कल्पना है हम तो हेल्थ सिटी के नाम से चाहते हैं बिलासपुर को। हेल्थ सिटी अगर ग्रीन सिटी है तो ग्रीन से हेल्थ दूर नहीं है। अगर सिटी ग्रीन है तो हमारा हेल्थ भी साथ। तो ग्रीन सिटी के साथ में अगर कोई चीज ग्रीन सिटी के साथ चाहिए तो वो ये चाहिए कि उस जगह का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर का मैनेजमेंट प्रॉपर। अगर वाटर का मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हमारी सिटी में प्रॉपर रहा तो हमारे सिटी का हर बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक स्वस्थ रहेगा और यहाँ के सारे लोग जब सबके सब यहाँ स्वस्थ रहेंगे तो हमारे यहाँ वो ज्यादा काम करेंगे यहाँ की पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी और इससे बढ़ने से हमारे यहाँ का खुद अपने आप जो है डेवलपमेंट होगा। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हर सिटी में गवर्नमेंट जो है कि 5,000 लोगों के बीच में एक PSC डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी हर आवासीय क्षेत्र में एक अस्पताल जो है के लिए जगह दिया जाए ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पे दूर जाना ना पड़े वो अपने उस आवासीय क्षेत्र में जाके ही इलाज कर सके। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं डिजिटल इंडिया का मतलब ही यही है कि हम कोई भी चीज आसानी से कर ले पर हेल्थ तो हम मोबाइल से ले नहीं सकते ना। हेल्थ के लिए तो हमको अस्पताल जाना पड़ेगा पर कम से कम हमारे पास इतनी सुविधा हो कि हम हेल्थ के लिए अपने मोहल्ले में ही जाके इलाज करें। तो मेरा कमिश्नर साहब से ये निवेदन है कि जो भी आवासीय योजनाएं बने जो भी बने उसमें हेल्थ को प्रायोरिटी रखा जाए जैसे कि एजुकेशन प्रायोरिटी है हेल्थ को प्रायोरिटी में रखा जाए उसके लिए जमीन फिक्स किया जाए उसे कम रेट में उपलब्ध कराया जाए और हमारे यहाँ जितने भी हेल्थ सुविधाएं हैं उसे अच्छे तरह से आगे बढ़ाया जाए। अभी जो नई बीमारियां जो चल रही है जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जैसे कि डायबिटीज हाइपरटेंशन कैंसर अस्थमा जो पॉल्यूशन के कारण होता है ये सब का प्रॉपर ध्यान रखा जाए क्योंकि अब हमारा देश जो है डायबिटीज का कैपिटल ऑफ वर्ल्ड होने वाला 2025 में तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखकर हमारे नेक्स्ट सेंटर से अपना किया जाए तो इसको बताने के ग्रीन सिटी बनाना पड़ेगा सर देखो तभी कर पाए। माई गाँव में आप डिस्कस फोरम में जाए
माननीय कमिश्नर महोदय जी, आपने स्मार्ट सिटी के लिए सबका मदद के लिए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और काफी अच्छे अच्छे सुझाव हैं, उसमें से कुछ मेरे मन में भी है मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। हमारे बिलासपुर में 1986 से जी सर दो मिनट ज्यादा ले लूंगा मैं आपका। 1986 से सर हमारे विकास प्राधिकरण की यहाँ पर योजना बनाई गई थी और 1986 से ही हमारे लिए 75,000 स्क्वायर फीट गैरेजों के लिए रखी गई थी। उस गैरेजों का सर आज तक अलॉट नहीं हुई है, उसकी वजह से जैसे हमारे रामू भैया ने कहा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और गैरेज की व्यवस्था जो अलग अलग है, हम ट्रांसपोर्ट का आश्रय गैरेज से ही ले लेते हैं। तो गैरेज के लिए जो हमारे यहाँ आरक्षित जगह है वो अभी तक रिजर्व पड़ी हुई है और गैरेज की व्यवस्था न होने से बिलासपुर का विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, जैसे रामू भैया ने कहा अभी। तो उस और भी मैं आपका ध्यान उन तक आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। दूसरा सर आज की ऐसे स्मार्ट दूसरा सर मामा सिटी परिचर्चा में ट्रांसपोर्ट में जो भी लोग आए सारे संबंधित जनों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तीन प्रमुख बातें जो आज की इस परिचर्चा में आई कि एक तो प्लान वन को आप सभी लोगों ने आम सहमति दी कि अथवा साडा की भूमि को ये पहचान के रूप में गोल बाजार बावली कुआ और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल को और वहाँ की इसको एक पहचान के रूप में और विकसित और बढ़िया वो करने की बात की। माणिक जी ने बात की कि एक विश्वास जनता के बीच बनना चाहिए जिससे ये स्मार्ट सिटी बन सके। और आइए मैंने हेल्थ सिटी की भी बात कही, आप सभी लोगों ने बहुत बेहतर बहुत उपयोगी सुझाव दिए। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम ध्यान तरीके से अपने मानवीय बने मानवीय सिटी के रूप में डेवलप हो, आप सबके सुझाव के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये